हेलो यूट्यूब फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ा वाला ब्लॉक एंड डांस मुंबई। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि मेरे जो नए नए नोटिफिकेशन से आप लोग को मिलते रहेंगे। यूट्यूब फ्रेंड्स, आज नई जगह पे ब्लॉग बना रहे और नई टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आइए चलो चलते हैं। नमस्कार, कुछ नई बातें करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, एक अच्छी बात पढ़ने में आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर के क्लिनिक पर एक बुजुर्ग अपने हाथ की एक उंगली का ड्रेसिंग करवाने के लिए गए। उनकी अपॉइंटमेंट 9 बजे की थी, लेकिन वो 8:30 बजे ही पहुँच गए और डॉक्टर को कहा, प्लीज़ मेरा ड्रेसिंग ज़रा जल्दी कर दीजिए ना। यह कह के वे अपनी घड़ी बार बार देखने लगे। दूसरे पेशेंट नहीं आए थे, इसलिए डॉक्टर ने वो बुज़ुर्ग का केस हाथ में लिया। उनका घाव अच्छा होने को आया था, इसलिए ज़रूरी दवाई देने के बाद ड्रेसिंग करते करते डॉक्टर ने बुज़ुर्ग को पूछा कि क्या आपको दूसरी कोई अपॉइंटमेंट है। बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, मगर मुझे मेरी पत्नी के साथ ब्रेकफास्ट लेना है। डॉक्टर ने पूछा, वो कहाँ है। बुज़ुर्ग ने कहा, वो अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा, आप लेट हो जाएंगे तो वो गुस्सा करेगी। बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, उसको अल्जाइमर्स है, इसलिए वो 5 साल से मुझे पहचानती नहीं है। डॉक्टर ने कहा, ओ तो उनके पास अभी कोई नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि आप उसके कौन हैं। इसके बावजूद भी आप हर रोज़ सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, मगर मुझको तो पता है ना कि वो मेरी वाइफ है। ये सुन के डॉक्टर की आंखें भर आई और वे मन ही मन में बोले, आई विश मुझे भी ज़िंदगी में ऐसा ही प्रेम मिले। तो ये थी दिल को छू लेने वाली बात। अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो जीवन ही एक संघर्ष है। संसार की समस्त सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, दृढ़ पुरुषार्थ, दृढ़ संकल्प और साहस। भूल होना ये कुदरत का क्रम है, उसे घबराना नहीं। कभी भी बिना हिम्मत की बात नहीं करनी चाहिए। बिना हिम्मत की बात करने वाला नपुंसक जैसा होता है। समाज की पढ़ती के कारण अज्ञान, आलस, अभिमान और अनिष्टों का संग है। नीति शास्त्र कहता है कि ज्ञान के साथ नम्रता आनी चाहिए। उसके बदले जो अभिमान आए तो आदमी एकल पेटा, स्वार्थी, मतलबी होता है। उसके ज्ञान का समाज को लाभ नहीं मिलेगा और समाज को सहन करना पड़ेगा। ये थी संघर्ष की बात। और अभी तीसरी और अंतिम दिल को छू लेने वाली बात। आज डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत झुकना मत, वरना तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी करोड़रज्जु में गैप आ गया है, तो ज़्यादा नीचे झुकने की शक्यता कम हो गई है। ये सुन के हंसना और रोना एक साथ आ गया है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने कहा कि नीचे मत झुकना, क्योंकि ये शब्द तो बचपन से ही घर के बुज़ुर्ग और समाज के मुंह से सुनती आई हूँ। झुक के चलना, झुक के रहना। स्त्री औरत झुक के रहेगी तो ही संबंध, गृहस्थी और प्रेम टिका रहेगा। बस ऐसा सुन सुन के झुकती ही चली गई और भूल गई कि मुझे भी 1 करोड़ रज्जू है
और आज तक घर में के समाज में से कोई नहीं बोला, मगर ये करोड़ रज्जु बोली कि अभी झुकना नहीं है। मैं सोचती रही कि हमेशा झुकते रहने से करोड़ रज्जु में गैप आ गया, ये तो सबको दिखाई दिया, लेकिन आज तक हमेशा झुकते रहने से बचपन से आज तक दूसरी कौन कौन सी जगह पे गैप आ गया है, गैप रह गया है, वो क्यों नहीं दिखा? अस्तित्व में गैप रह गया, अंतरात्मा में गैप रह गया, बचपन से देखे हुए हर एक सपने में गैप रह गया, ये सब किसी को क्यों नहीं दिखाई दिया? घर को घर बनाने वाली तो एक औरत ही होती है, औरत को देवी मानने वाला ये समाज आज क्यों मौन धारण करके बैठा है? इसका जिसके पास जवाब है वो बड़ा ज्ञानी है, बाकी तो जिसकी जैसी सोच।